शाखा पिंड उनका जिक्र करना मेरे लिए जरूरी है क्योंकि टाइम मैं दसता इसलिए मैं उदासी तो निर्मले ये दोवें पुरखों को खेमा मंगदा क्योंकि इनके विचार भी बहुत हो चुकिया तो मैं पिंडरावां दी टकसाल ते दो शब्द एक की पढ़ते सी इहदे ते एक विद्यार्थी जीवन वास्ते अनुशासन की सी औख कैड़ी सी पढ़ते किवें सी ये मेरे बचन आप जरूर श्रवण करो पढ़ भाई। मिसाल दे तौर ते मैं इत्थे दमदमी टकसाल दे जत्थे पिंडरां दा जिक्र करना चाहांगा कि इस जत्थे दी मर्यादा अनुसार घट्टो घट 10 साल दे उम्र दे भजंगी नूं जत्थे विच शामिल कीता जांदा सी। उस नूं पहला चूला ते फिर अमृत छकाया जांदा सी। इस जत्थे दे सिंघ रहत विच पूर्ण परिपक्व हुंदे सन। संत बाबा सुंदर सिंह जी वेले तां हर एक विद्यार्थी दे 5 ग्रंथी पोथी कंठ हुंदी सी जो कि पिछों जाके 5 बाणियां दे नितनेमां तक पहुँच गई। हर एक सिंह नूं 5 कक्कियां दा धारनी नाम दा रसिया जपी तपी होण दे नाल नाल सुच ते संजम दा धारनी होना पैंदा सी। सब दा लिबास तेड़ कछहरा गल लंबा चोला सिर उपर छोटी केसकी ते उस उपर नीले जां काले रंग दी दस्तार सजाई जांदी सी। केसां विच कंघा हर एक सिख लई जरूरी सी। सवेरे 3 बजे तों बाद जत्थे दे किसे सिंह नूं सौण दी आग्या नहीं सी। हर एक प्राणी लई अमृत वेले जागना बाणी पढ़नी अते दरबार विच हाजरी भरना जरूरी हुंदा सी। पिछे आखियां उदासी अते निर्मले भेख दियां रौह रीतां अनुसार इत्थे भी गुरमुखी अखरां दे ज्ञान तों शुरू करके आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी संपूर्ण संथ्या करवाई जांदी सी। पवित्र गुरबाणी दा संपूर्ण अध्ययन कर लैण तों उपरंत श्री दसम ग्रंथ साहिब दी संथ्या दी परंपरा सी जो हुण तक भी जारी है। जिन्हां सिंघां ने ग्रंथी दी पदवी तों उपर ज्ञानी दी उपाधि तक पहुँचना हुंदा सी उन्हां नूं देवनागरी हिंदी दे नाल नाल सार कुतावली भावर सामृत विचारमाला वैराग शतक अध्यात्म प्रकाश विचार चंद्रोदय हनुमान नाटक ते प्रबोध चंद्र नाटक वारा भाई गुरदास अते गजलां भाई नंद लाल पढ़ाईयां जांदियां सन। वध कुशागर बुद्धि वाले सिंघां नूं कवित सवैये भाई गुरदास जी अध्यात्म रामायण विचार सागर मोख पंथ प्रकाश ते तत्व अनुसंधान आदि वेदांत दे ग्रंथ भी पढ़ाए जांदे सन। उपरंत श्री गुरप्रताप सूरज ते नानक प्रकाश आदि इतिहास के ग्रंथों की वारी आती सी। अखीर विच आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अर्थां सहित संथ्या की परिपाटी सी। श्री दसम ग्रंथ साहिब उस तों पिछों पढ़ाया जांदा सी। इस तों बिना कुछ तीखण बुद्धि दे स्वामी साधु उदासी अते निर्मले साधुओं पासों हरिद्वार काशी अते ऋषिकेश आदि तीर्थों उपर जाके बिरती प्रभाकर आदि वेदांत के उच्च कोटि के ग्रंथों का अध्ययन भी कर लेंदे सन। इस प्रकार की विद्या का अभ्यास जो गुरमुख प्यारा कर लैंदा सी उसनू जत्थे विच ज्ञानी कह के सत्कारिया जांदा सी ते इन्हां विद्वान सज्जनां नूं ही कथा करन दी जां जत्था अगे लैके विद्यार्थियों नूं पढ़ाउण दी आग्या दित्ती जांदी सी। पाठकां दी जानकारी वास्ते उपर अंकित ग्रंथां दे कुछ विशे वस्तु दा निरूपण भी जरूरी है। दास लेखक दा अपना अनुभव है कि मान मोह मद मत्सर काम क्रोध लोभ कपट पखंड छल हिंसा झूठ तृष्णा आलस राग द्वैष ईरखा दुर्गुणा विच घिरे मनुख नूं जत्थे जां मंडली विच नहीं रख्या जांदा सी। नास्तिक परनिंदक श्रद्धाहीन दुविधा अते कुतरकी बुद्धि वाले बेसंतोखे दुष्ट प्रकृति दे वैशीपन दे शिकार प्राणियों नूं भी ये लोग अपने नाल नहीं रखते सन। गुरबाणी गुरसिख सतगुरु अते वेद शास्त्र आदि दी निंदा करन वाले चोरी चुगली कौड़ी बाणी बोलन वालियां नूं भी ये नीर कीर विवेकी हंसात्मा लोग अपने नाल नहीं रखते सन। जिहड़ा मनुख मर्यादा दा सही पालना नहीं सी करदा अपने धर्म दी परिपक्वता नूं त्याग के दूजिआं दे धर्मां दी निंदिआ करदा सी उसनूं भी इत्थे कोई थां नहीं सी। चमत्कार जां जादूगरी दीआं गल्लां करन वाले जंतरां मंतरां दे शौकीन चंचल मत जल्दी जत्थेदारी चाहुण वालियां नूं भी इत्थों छेती ही विदायगी दे दित्ती जांदी सी। औरत राजनीति भूतां प्रेतां दी चर्चा ते चुटकलेबाजी करन वालियां नूं भी 1-2 वारी ताड़ना करन तों बाद ना सुधरन ते जत्थेबंदी विच्चों खारज कर दित्ता जांदा सी। इत्थे तां विवेक बुद्ध उच्ची सुच्ची श्रद्धा सहनशीलता खिमा अहिंसा ते मन इंद्रियों उपर काबू रखने वाले साधकां जां विद्या अभ्यासियां नूं ही प्यार सत्कार दित्ता जांदा सी। तन मन दी शुद्धि ब्रह्म विद्या पढ़न दी खिच वाहेगुरु दे सिमरन दा शौक हर वेले हरी गुरु अते धार्मिक चर्चा करन वाले लोग ही इत्थे माण पाउंदे सन। दास भाव नाल सेवा करना तुरदे फिरदे वाहेगुरु जां मूल मंत्र दा जाप करन वाले उस मालक नूं अंग संग मन्नण वाले अंदर बाहर अचरचर अते प्राणी मात्र विच निरंकार दे दर्शन करन वाले उच्ची सुच्ची रहत दे धारनी
गुरमुख होके चुप चाप गुरु अते गुरबाणी दे सन्मुख रहण वाले अजर नूं जरन वाले मत उच्ची ते मन नीवा रखण वालियां नूं ही इस राह दे राही आख्या जांदा सी। थोड़ा खाणा घट सौणा भोगां तों उपरामता जगत जंजाल तों उदास होके अकाल पुरख दी मौज विच विचरण वाले आत्म तत् दे खोजी योध्यां नूं ही इन्हां जत्थिआं विच सही माण मिलदा सी। विद्वान बलवान ते गुणवान हुंदिआं होइआं वी निम्रता रखणी ते कुसंगत तों बचना जल विच कमल वांगू निर्लेप रह के हुक्मी बंदे बनदा ही इत्थे पाठ पढ़ाया जांदा सी। जिहड़े सिख साधु उपरोक्त सतगुणां नूं धारण करके दुर्गुणां दा त्याग करदे सी उही अगे चल के कौम दे मार्गदर्शक बनन दे योग समझे जांदे सन।